रही है। आज यहाँ तहसील समाधान दिवस में आए हो, क्या समस्या है आप लोगों की? ईदगाह की जगह पे हमारे 30-35 साल से खोखे रखे हुए हैं, उन्हें यहाँ के लोग जो है जबरन हटाना चाहते हैं। कौन लोग हैं यहाँ के? ये हैं जो दबंग लोग हैं, वो लोग क्या क्या नाम है लोगों के? फुरकान है, असगर है, शेखर त्यागी है, ये लोग हैं, और भी लोगों के साथ में मिले हुए तौहीद है, ये लोग जबरन हटाना चाहते हैं। कितना समय हो गया आपके लिए? 35 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे। ईदगाह गेट भी तोड़ दिया करते हैं, ईदगाह का गेट भी तोड़ दिया। अब ये कहते हैं अगर खोके आप लोगों ने नहीं हटाए, आपके खोके जला देंगे यहाँ से, खोके हटाइए आपको। शिकायत आज आपने शिकायत जो दी है किस अधिकारी को दी है? डीएम साहब को दी है। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने दिया है कि आप हमारे यहाँ से प्रशासन कोई परेशान नहीं करेगा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हम जैसे बैठे हुए वैसे ही बैठे रहें। और ईदगाह बफ है, ये एक आप आए हैं जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ईदगाह की है, घाटा संख्या 277 नंबर, जो 1975 में बफ हो चुकी है और उस पर सीलिंग भी चल रही है। तो ये माफिया लोग जो हैं उस पर अवैध कब्जा करे हुए हैं, पटान कर रहे हैं और उसको प्लाटिंग करना चाहते हैं, दुकानें काटना चाहते हैं वहाँ। उसके आगे हमारे खोखे रखे हुए हैं, मुतवल्ली द्वारा हम उसकी साफ सफाई करते हैं, देख रेख करते हैं, जो भी है फिलहाल उसको वो करके, और हमको धमका रहे हैं ये लोग कि हम तुम्हें जो है ये कर देंगे वो कर देंगे। बाकी हमने मुतवल्ली द्वारा गेट भी लगवाया था, वो गेट तोड़ के एक तरफ को डाल दिया है। जिन लोगों का भूमाफिया कह रहे हैं क्या नाम है? वो है फरखान है, असगर है, त्यागी है जी, शेखर त्यागी, और एक तौहीद है, वो 8 नंबर के रजिस्टर का आदमी है, बदमाश आदमी, जिसे पुलिस ढूंढती फिरती है कि वो है कहाँ, वो आज दबंगी दिखा रहा है और हर वक्त ईदगाह में रह रहे हैं, हुआ कुर्सियाँ पड़ी हुई है, धार्मिक जगह है, हुआ ही पे सब कुछ हो रहा है। पुलिस में क्या शिकायत की आपने? कई हमारे साथ हैं ऐसे साहब, तो मतलब पक्ष में ही हमारे बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जबरन भूमाफिया हम लोगों को। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अमरिया के रहने वाले हैं, हम 22 खोखे वाले हैं, ईदगाह के सामने जो 22 खोखे हैं हम वो खोखे वाले हैं। सारे लोग ये खड़े हैं, आप कैमरा घुमाइए, देखिए सब लोग हैं, देखिए ये सब लोग हैं, ये खड़े हुए।